In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इलम में अजाफा फरमाए. Dear students, today our topic of discussion is Objectives of Database Management System. लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है शेयरबिलिटी. इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है शेयरबिलिटी को. डियर स्टूडेंट्स, आपने वर्ड पे गौर करना है शेयरबिलिटी. शेयर का मतलब होता है कुछ शेयर करना दूसरों के साथ. आप अपने मोबाइल्स के साथ भी डिफरेंट डाटा को अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करते हैं, इसी तरह अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. तो शेयरबिलिटी का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो है शेयरबिलिटी. शेयरबिलिटी मीन डाटा इज शेयर बाई डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, यानी डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोकेशंस पे सेम डाटा को सेम टाइम पे शेयर करते हैं, जिसे हम शेयरबिलिटी कहते हैं. शेयरबिलिटी में डाटा जो स्टोर होता है वो एक सेम लोकेशन पे स्टोर होता है, लेकिन जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं वो उस डाटा को थ्रू नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स उस डाटा को शेयर करते हैं या एक्सेस करते हैं. इससे क्या होता है, डाटा की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है. यानी डाटा जो होता है वो आपका सेंट्रल प्लेस पे पड़ा होता है, डिफरेंट यूजर्स डाटा को शेयर करते हैं, जिसे हम शेयरबिलिटी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. देखें, आप अपना रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं, अपने रिजल्ट मालूम करते हैं, आप अपना रोल नंबर पुट करते हैं और आपको ऑनलाइन आपका रिजल्ट कार्ड मिल जाता है. लेकिन डाटा जो है वो एक साइट पे पड़ा हुआ है, एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, डिफरेंट यूजर्स अपने रोल नंबर के थ्रू उसी डाटा को एक्सेस करते हैं, तो इसे हम शेयरबिलिटी कहते हैं. यानी डिफरेंट यूजर ने सेम डाटा को सेम टाइम पे एक्सेस करना है, उसे हम शेयरबिलिटी कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी. डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी का वर्ड अवेलेबल से निकला है. अवेलेबल का मतलब ये होता है कि मौजूद होना, आपके पास एक्सेस उसकी होना. अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको हर वक्त, एनी टाइम, एनी वेयर, 24 आवर्स आपको डाटा प्रोवाइड करेगी. ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई गैप आएगा, यानी आप कभी भी किसी भी टाइम एनी लोकेशन पे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसे अवेलेबिलिटी कहा जाता है. तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि ये अपने यूजर्स को डाटा का प्रोवाइड करती है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे, किसी भी लोकेशन पे. इसके हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर आप अपना कोई भी अकाउंट बना लें, आप अपने डाटा को ड्राइव पे स्टोर करवा लें, तो आप जब भी अपने अकाउंट से लॉगिन होते हैं तो आपका डाटा आपके सामने अवेलेबल होता है, जिसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी के बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है इवॉल्वेबिलिटी. इवॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखें, आए दिन टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन रिक्वायरमेंट्स को, उन चेंजेस को, जो भी उसमें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, उसको हैंडल करता है. तो इवॉल्वेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस में चेंजेस आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन रिक्वायरमेंट्स को, उन चेंजेस को फुलफिल करता है, जिसे हम इवॉल्वेबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर कुछ नया फंक्शंस ऐड करने हैं जो पहले से सिस्टम चल रहा है, तो हम उन फंक्शंस को इजीली ऐड कर सकते हैं पहले से मौजूद सिस्टम में, जिसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी के बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डाटा इंटेग्रिटी. ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है.
डेटा इंटेग्रिटी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है डेटा की रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, यानी जो भी डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या डेटाबेस में स्टोर होगा वो किसी रूल्स या कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए स्टोर होगा। यानी अगर रोल नंबर है तो एक रोल नंबर डिफरेंट स्टूडेंट्स को असाइन नहीं हो सकते। इसी तरह अगर सेल नंबर है, आईडी कार्ड सीएनएसी नंबर है, तो उसकी कोई प्रीडिफाइन लेंथ होगी। अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उसकी एक रेंज होगी, जिसे हम डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं। तो ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको शेयरबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि शेयरबिलिटी क्या होता है, कि डिफरेंट यूजर सेम टाइम पे सेम डेटा को डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम शेयरबिलिटी कहते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो यूजर्स को एनी टाइम एनी वेयर जब भी उसको ज़रूरत हो वो डेटा उसके लिए अवेलेबल हो, उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद इवॉल्विबिलिटी का मतलब ये होता है रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उन चेंजेस को उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो था हमारा डेटा इंटेग्रिटी का था, जिसे हम रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी में लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है। एट द एंड आपने अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा। जो स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।